हेलो, सभी का स्वागत है एविकेट फैमिली में। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो रोटेट के बारे में। तो अपन स्टार्ट ड्राइंग करते हैं। उसके बाद पहले से एक ड्राइंग जो पिछले क्लासेस में अपन टेम्पलेट्स बना चुके थे उसके बारे में वो पढ़ा था। अब अपन रोटेट कमांड कहाँ है, क्या है, देखते हैं। देखिए, मॉडिफाई टूल के अंदर ये रहा रोटेट कमांड, देख सकते हैं आप। अभी रोटेट कमांड क्या है इसको देखने के लिए अपन एक छोटा सा रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं, एक लाइन क्रिएट करते हैं। ओके, इसके बटन। अब रोटेट कमांड को देखने के लिए रोटेट कमांड को क्लिक करते हैं। जिस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है उस पे जाके क्लिक करते हैं। जैसे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को क्लिक किया, उसके बाद एंटर दबाया। एंटर दबाने के बाद नीचे देखिए कमांड में क्या पूछ रहा है अपन को। स्पेसिफाई बेस पॉइंट पूछ रहा है, तो स्पेसिफाई बेस पॉइंट मैं इस कॉर्नर पे देता हूँ और इसके रेफरेंस में मैं एक एंगल देता हूँ 45। 45 इसलिए दे रहा हूँ कि आपको जल्दी समझ में आए। 45 डिग्री, ये देखिए इस लाइन से 45 डिग्री पर ये झुक चुका है, एंगल पर झुक चुका है। अब देखिए अगला जो है रोटेट कमांड जो लेने के बाद ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, एंटर दबाते हैं। इसका बेस पॉइंट पिछली बार की तरह बेस पॉइंट यहीं देते हैं, कॉपी। नीचे देखिए कमांड बॉक्स में कॉपी दे रखा है, कॉपी पर क्रिएट क्लिक करते हैं। अब एक 45 डिग्री 45 एंगल देके एंटर दबाते हैं। तो देखिए पिछली बार ये जो रेक्टेंगल है इसकी एक और कॉपी 45 डिग्री पर बन चुकी है, ठीक है। एक और बार रोटेट कमांड का एक और है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करके एंटर दबाते हैं। इसका बेस पॉइंट यहीं लेते हैं और देखिए एक रेफरेंस, आप कॉपी की इस तरफ देख सकते हैं, रेफरेंस का जो पॉइंट है उस पर क्लिक करते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद रेफरेंस एंगल देखिए, स्पेसिफाई द रेफरेंस एंगल 0। इसको 0 दबाकर एंटर दबाते हैं और न्यू एंगल देते हैं 45। देखिए ये शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, एक और बार मैं समझाता हूँ। रोटेट कमांड वापस लेते हैं अपन, इसको वापस क्लिक करते हैं, एंटर दबाते हैं, बेस पॉइंट यहीं देते हैं और रेफरेंस पॉइंट देने के बाद देखिए ये पहले से 45 डिग्री पे झुका हुआ है। अब इसको अपन 0 डिग्री देते हैं या 45 ही देते हैं और एंटर दबाते हैं। अब अपन को नया एंगल पूछ रहा है, नया एंगल पूछ रहा है 90 देकर एंटर दबाते हैं। तो देखिए पिछली जो रेक्टेंगल था वो पहले से 45 एंगल पे था। जब अपन ने रेफरेंस पॉइंट 45 दिया तो वो 45 वापस बैक आके उसके एंगल में 90 डिग्री पर गया है। एक और बार आप देख सकते हैं। देखिए अभी इसको अपन रोटेट करके एक और बार बेस पॉइंट में यही देता हूँ वापिस, और इसको 45 डिग्री पर करके एंटर दबा देता हूँ। देखिए पहले से 45 डिग्री पर है। ओके, अब रोटेट कमांड लेने के बाद एंटर दबाता हूँ, बेस पॉइंट यही देता हूँ। इसके बाद रेफरेंस पॉइंट लेकर रेफरेंस एंगल में 30 देकर एंटर दबाता हूँ। अब नया जो एंगल है उसको मैं 90 दबाता हूँ और एंटर दबाता। देखिए आप देख सकते हैं कितने डिग्री ये गया है। एक सौ
5 डिग्री पर ये झुक चुका है। देखिए पिछली बार अपन ने देखा था कि वो 45 डिग्री पर झुका हुआ है। उसके बाद जब अपन ने 90 और प्रेस किया, 25 माइनस करने के बाद वापस 90 प्रेस किया, तब 105 डिग्री पर वो पहुंचा है। तो रोटेट कमांड बिल्कुल सिंपल सा है। रोटेट कमांड का जो शॉर्ट कमांड है वो है RO। RO एंटर दबाकर भी आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।